बहुत सारे दोस्त कुछ कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, नो कर दिया तो क्या होगा, RSCIT सर्टिफिकेट नहीं है, केवल मार्कशीट है तो क्या करें। तो देखिए, जिन लोगों ने नो नो ऑप्शन में भर दिया था, ऐसे ऐसे जो ऑप्शन होते हैं उसमें सहमत नहीं थे, उसमें नो नो का ऑप्शन है, जिन्होंने गलती से नो भर दिया उनको एक बार जिला रोजगार कार्यालय जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एडिट का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है, हो सकता है कुछ दिनों बाद एडिट का ऑप्शन वहाँ पर दे दिया जाए। बाकी आप लोग 181 पर इस चीज़ की शिकायत करें कि गलती से ऐसा हो गया है और उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक बार मंडे को जिला रोजगार कार्यालय सभी लोग ऐसे जाएं जिन्होंने नो किया है, ताकि उनको पता चले कि इस तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं, तो उसका एडिट का ऑप्शन वो दे दें, या फिर वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कार्यालय में हो जाए। दूसरी बात, जिन लोगों ने RSCIT का एग्ज़ाम दिया है उनके पास केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। दो चीज़ होती है, एक तो रिजल्ट होता है और दूसरा सर्टिफिकेट होता है RSCIT का। तो सर्टिफिकेट थोड़ा लेट आता है, तो जिन लोगों ने अभी लास्ट रिसेंट जो RSCIT एग्ज़ाम है वो दिया था, उसका रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसकी मार्कशीट आई है, मतलब उसका सर्टिफिकेट नहीं है अभी, केवल रिजल्ट है, तो वो लोग रिजल्ट लगा सकते हैं। उनको SSM जैसे अपलोड करना है तो वहाँ पर वो रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर कार्यालय में जमा करा रहे हैं तो आप लोग रिजल्ट की कॉपी जमा करा सकते हैं। और पुराने लोग कोशिश करें कि सर्टिफिकेट ही जमा करें, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस स्थिति में वो लोग रिजल्ट एक ऑप्शन रहता है उसको लगा दें, लेकिन नए वाले लोग कन्फर्म रिजल्ट लगा सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट अभी आए नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक SSO पर ये पोर्टल रहेगा। तो देखिए, ये पोर्टल नॉर्मल पोर्टल है, सभी के लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा, इसको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि टेक्निकल जो कोर्स है वो एसेंशियल कर दिया, इंटर्नशिप भी ज़रूरी कर दिया, आगे जब तक भी भत्ता चलेगा इस तरह की योजना रहती है, तो इंटर्नशिप अनिवार्य है, उसके लिए टेक्निकल कोर्स का ऑप्शन डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ही, इसकी टेंशन नहीं है कि लास्ट डेट क्या है। बस दिक्कत है कि अप्रूव्ड वाले लोग जल्दी से जल्दी डिटेल्स दें, चाहे ईमेल के थ्रू कार्यालय जाकर या फिर SSO पर भी अपडेट कर दें, क्योंकि उनको जनवरी से इंटर्नशिप पर लगाना है। बाकी जो वेरीफाइड पड़े हैं, सबमिटेड हैं पुराने फॉर्म, तो वो लोग तो भले धीरे इसको अपडेट कर दें, दो चार दिन बाद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल कोर्स की डिटेल या फिर RSCIT की इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट, उसको आने के बाद भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव्ड वाले जल्दी से जल्दी कोशिश करें इसको भरने की। बाकी ऑप्शन तो SSO पर हमेशा रहेगा, जैसे भत्ते का ऑप्शन, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है, तो उसमें जैसे सारी चीज़ ऑप्शन है, तो ये भी एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है, ये ऐसा नहीं थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए ऑप्शन जोड़ दिया गया है। और कोई आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लास्ट की वीडियो ज़रूर देखें, उनमें जानकारी दी गई है, एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं होती है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को